क्या दोस्तों आपने पहले कभी चीनी के ऊपर इस तरीके से ब्रेड को रखा है? हजारों रुपए की मिलने वाली चीज आज हम घर पे बनाएंगे मात्र 10 रुपए में। ब्रेड को रखने के बाद आपको इसमें धीरे धीरे करके ऐड करना होगा थोड़ा थोड़ा दूध। एक साथ आपको इसमें दूध ऐड नहीं करना है। फिर इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। आगे की जानकारी मैं आपको दूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारा ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारे पिछले वीडियो का थैंक जाता है ममता जी को बरेली से, नेहा पांड्या जी को मलेशिया से, बेन जोन को केरला से और हरप्रीत जी को गोंडा से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चीनी के ऊपर हमने दो ब्रेड रखी है, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाला है। एक ऐसी खास चीज़ बना के हम तैयार कर रहे हैं घर पर ही, जो आपको मार्केट में कम से कम 500 से 1000 रुपए किलो में मिलती होगी, या फिर इसको आप खा के आते होंगे। लेकिन आज हम घर पे जो ये खास चीज़ बना के तैयार कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट आपको सिर्फ मात्र 10 रुपये की ही पड़ने वाली है। और यह चीज़ आपको मार्केट से कई ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगने वाली है, क्योंकि यह दोस्तों एक तो आपके आंखों के सामने बनेगी और दूसरी एकदम बिल्कुल दोस्तों नेचुरल तरीके से हम इसको बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी है वो ब्रेड के अंदर आपको धीरे धीरे करके डालनी है। एक साथ आपको दूध की क्वांटिटी है वो नहीं बढ़ानी है। कितनी क्वांटिटी में हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। फिर आपको इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड करना है और इसको दोस्तों आपको इस टेक्सचर में ले आना है और इसे हल्का हल्का मीडियम फ्लेम पे पकने दे। अगर फ्लेम आपकी हाई है तो आपको कंटिन्यू इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आपको इसे घुमाते रहना होगा, ताकि यह नीचे चिपक ना जाए। और इसे दोस्तों लगभग आपको 10 से 15 मिनट तक पकाना होगा, ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो और भी ज़्यादा आपको यह खाने में डिलीशियस लगे। यह दोस्तों तब तक अच्छे से पक रहा है, गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके छोड़ दिया है मैंने। तब तक हमें एक अलग कटोरी में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लेना होगा। कस्टर्ड पाउडर के अंदर दोस्तों आपको ऐड कर देना होगा दूध और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा 1 चम्मच की मदद से। बहुत ही आसानी से जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है वो मिक्स हो जाएगा और फिर आपको ब्रेड और दूध के अंदर जो हम ये मिश्रण तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर आपको यह डाल देना होगा कस्टर्ड पाउडर। जैसे ही कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, एक तो आप इसका जो कलर है वो चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा और यह दिखने में और भी ज़्यादा दोस्तों सुंदर होगा और इसका टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे कि मैंने बताया, 500 से 1000 रुपए में जब ये चीज़ आप मंगवाते हो या फिर बाहर खा के आते हो, वो मात्र घर में आप 10 रुपए में तैयार कर सकते हो। बहुत ही अलग और यूनिक चीज़ आज हम ब्रेड की बना के तैयार कर रहे हैं, जो सिर्फ आपको 5-स्टार होटल या फिर बड़े रेस्टोरेंट में ही देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसी यूनिक चीज़ें वही बना सकते हैं। हमारे तो बस की बात है नहीं, लेकिन अब से हमारे बस की बात होने लगेगी दोस्तों। 2 इलायची हमने इसके अंदर ऐड की है और थोड़ा सा दूध हमने इसके अंदर और ऐड किया है और इसको वापस से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। मिक्स करने के बाद दोस्तों अब हमें इसे लगभग 5 से 4 मिनट तक और पकाना होगा। फिर दोस्तों हम गैस की फ्लेम को जो है वो बंद कर देंगे, क्योंकि दोस्तों दूध का कच्चापन निकालना थोड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास उबला हुआ दूध है फिर भी आप इसको 5 से 7 मिनट तक ज़रूर पकाएं और फिर गैस की फ्लेम को बंद करके इसको हल्का थोड़ा ठंडा करके एक मिक्सी के जार में आप इसको ऐड कर लीजिए। मिक्सी जार में ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना होगा। लगभग दोस्तों आपको एक अलग पाउडर यानी पेस्ट इसका तैयार कर लेना होगा। पेस्ट तैयार करने के बाद वापस से उसी पैन में आपको इसे ऐड कर लेना होगा और इसे लगभग आपको दोस्तों 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू इस तरीके से स्पैचुला की मदद से घुमाना होगा, क्योंकि दोस्तों आज हम खास चीज़ बना के तैयार कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस खास चीज़ को बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो 500 रुपये जिस चीज़ के हम दे के आते हैं, 1000 रुपये हम जिस चीज़ के दे के आते हैं, वो मात्र घर में 10 रुपये में आज हम बना के तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से अच्छे से पकाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक अलग बाउल में आपको इसे निकाल लेना होगा और इसकी सजावट के लिए दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ब्रेड और दूध की जो हमारी यह खास रबड़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है, जो दोस्तों पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी, डिलीशियस होगी। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर ब्रेड की हमारी यह खास डिलीशियस रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब करें। और दुनिया के कौन से से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।